नमस्कार, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एलजेब्रा, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा एलजेब्रा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे, अब क्वेश्चंस हैं कुछ नए क्वेश्चंस हैं, अब उनको देखना। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर देन प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर फोर दे रखा है, तो फाइंड आउट करना है क्या ए की फोर माइनस बी की फोर, ये अपन को निकालना है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। अपन को क्या करना है, एलजेब्रा में सबसे मेन चीज़ है कि हमें फॉर्मूला बनाना है, ताकि हमें याद है अपने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें यह फिट हो जाए, वहाँ से निकलेगा मेन चीज़। जैसे फोर यहाँ इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर देन प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो। यदि इसको मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर देन माइनस टू देन प्लस बी स्क्वायर देन प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो। देखो बात तो है सेम, माइनस दो माइनस दो माइनस चार हो, तो मैंने बस इसको टुकड़ों में लिखा है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा ए माइनस वन अपॉन ए इसका स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों का काटोगे तो वन आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया। अब आगे क्या हो जाएगा बी माइनस वन अपॉन बी इसका होल स्क्वायर बराबर जीरो। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एक थ्योरम है कि इसका मतलब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, इसका मतलब हो जाएगा ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो। यदि इसको लिखेंगे ए माइनस वन अपॉन ए बराबर जीरो, इसका मतलब हो गया ए अपॉन वन अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा बी माइनस वन अपॉन बी बराबर जीरो बी अपॉन वन अपॉन बी, ये हो जाएगा। अब सेम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो ए की फोर, ये क्या हो जाएगा ए की फोर मतलब वन अपॉन ए की फोर बी के अपॉन अपॉन वन अपॉन बी की फोर, ये हो जाएगा। नहीं ये है ना, मतलब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, आप इसको इस साइड लिखोगे, मतलब इसको सेम ये लिख रहा है ए अपॉन वन अपॉन ए और बी अपॉन वन अपॉन बी, इसको ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बराबर वन आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये क्या है ए स्क्वायर का स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा क्या जीरो, ये आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना जितना हो सके उतना, क्योंकि इसको एक बार टाइम देने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल टकाटक हो जाएगा। एक बार की मेहनत है, यदि एक बार आप टाइम दे दिए तो फिर से टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये क्वेश्चन है, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर फाइव, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन को निकालना है। क्या करेंगे, इन दोनों जैसे ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो ये यहाँ पे दो बार लिखूँगा मैं एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, ये लिखूँगा। जैसे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए एक्स प्लस टू बी वाई, ये हो गया। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स देन माइनस टू बी वाई बराबर जीरो,
अब देखो इन दोनों को आप यदि करोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, और इन दोनों को करोगे तो एक अलग फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसका मतलब होगा ए बराबर एक्स और इसका मतलब होगा बी बराबर वाई। बी की वैल्यू वाई आ गई, इसकी वैल्यू एक्स आ गई। तो एक बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक बार ये टर्म यहाँ पे देख लो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर फाइव है, इसकी वैल्यू भी ए है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ए एक्स स्क्वायर बराबर फाइव लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, फाइव बाई टू। सेम वे दूसरा वाला हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइव, टू बी स्क्वायर बराबर फाइव। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू नहीं फाइव बाई टू, आगे टू नीचे आ जाएगा। देन इसमें क्या किया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइव बाई टू देन प्लस फाइव बाई टू कितना आ जाएगा, फाइव। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन आंसर उतना ही इजी है। ये जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में बी माइनस सी देन सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए देन ए माइनस बी देन प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर देन ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये है मतलब अपन को निकालनी इसकी वैल्यू। देखो क्या करेंगे, पहले अपन ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया इसका, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और एक ये बच जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए तो क्यूब। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल क्यूब देन ये क्या होगा, सी माइनस ए का क्यूब। देखोगे एक बार इनको आप ऐड करोगे ना, जैसे ए माइनस बी देन प्लस बी माइनस सी देन प्लस सी माइनस ए, जैसे इसको जैसे कैंसिल हो गया ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये आ गया ज़ीरो। और अगर आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। यही तो आपने पढ़ा है, सेम यहाँ पर रख दो। इसमें एक के जगह ये है, बी के जगह ये, सी की जगह ये है, ये क्या हो जाएगा, थ्री ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। ये आ गया इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन, जस्ट वन स्टेप, ये लिखने की जरूरत नहीं, देखते ही आ जाएगा क्या एलसीएम आएगा, जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्या ही मोह माया है ये, लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी देन प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए देन प्लस सी स्क्वायर देन ए प्लस बी देन प्लस थ्री ए बी सी बराबर निकालने क्या आएगा। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपन को क्या है, निकालना है कि क्या आएगा।
देखो आप, मैं ध्यान से देखो तो इसको ये लिख रहा हूँ, ए प्लस बी बराबर माइनस सी, ए प्लस सी बराबर माइनस बी, और बी प्लस सी बराबर माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों लिखा क्यों नहीं लिखा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसकी वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये ए स्क्वायर माइनस ए देन प्लस बी स्क्वायर माइनस बी देन सी स्क्वायर माइनस सी देन प्लस 3ABC। निकालना है क्या आएगा बाकी, इसको छोड़ो। ये क्या हो जाएगा, माइनस ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस सी के क्यूब देन प्लस 3ABC। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब देन 3ABC। देखो यदि किसी में ये टर्म आई थी, मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया था कि अगर ये कुछ टर्म आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब बराबर 3ABC होता है। अब मेरे पहले कुछ वीडियो देखे तो उनमें मैंने ये कुछ कंडीशन बताई थी, अगर ये आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब बराबर 3ABC होगा, ये मैंने बताया था। सेम ये 3ABC आ जाते, यहाँ पर रख देता हूँ, माइनस 3ABC हो जाएगा, ये प्लस 3ABC, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जो क्वेश्चन था वही बताया है, जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन है ये। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, मतलब एक थ्योरम टाइप में, याद रख लो, वो भी बड़ा बहुत अच्छा रहेगा, कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब देन प्लस 3ABC बराबर 0 है, तो ये बता रहा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए बराबर बी बराबर सी, देन तीसरा आपको दे रखा है ए माइनस बी देन प्लस सी बराबर 0, देन चौथा दे रखा है हमें ए बराबर बी बराबर माइनस सी, देन पांचवा दे रखा है हमें ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। देखो अगर ये वाली कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अपने पास क्या आता, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब बराबर 3ABC आता, ये अपन ने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ था। अगर ये होता तो सारे बराबर ही आ जाते, उसमें तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये आता तो ये किस कंडीशन में आता है, ए माइनस बी का स्क्वायर देन प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर देन प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आएगा, उसका मतलब ये होगा। और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो क्या होगा, एक का स्क्वायर नहीं एक के क्यूब माइनस बी के क्यूब देन प्लस सी के क्यूब देन प्लस 3ABC बराबर 0, और इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब ये आ जाएगा। और अगर ये होती तो इसमें आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 0 देन प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन प्लस ए प्लस सी बराबर 0, और अगर ये है तो क्या आ जाएगा, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब माइनस सी के क्यूब देन प्लस 3ABC बराबर 0। तो अब मिलान कर लिए, कौन सा में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आंसर क्या होगा इसका सही। क्यों आया है इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टर्म आ गई, देखो इसको में क्या किया गया है, सेम चीज़ में देखना, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब देन प्लस माइनस सी का क्यूब देन माइनस 3AB माइनस सी बराबर, मतलब माइनस माइन मतलब जो सी है वो माइनस का लिया गया, तो
अपना ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता था, लेकिन ये माइनस सी है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अच्छे से आप इस वीडियो को देखें, पीछे की वीडियो को देखो तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अच्छा मटेरियल, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बार बार देखें और इसी के नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।